इस क्वेश्चन को देख के आपको कुछ ये तो समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं, है ना। इसको पहले इंटीग्रेबल फॉर्म पहुंचाना है, तो क्या किया जाए, कुछ सब्स्टिट्यूशन किया जाए, है ना। उससे पहले आप ये सोच सकते हो कि क्या किया जाए। देखिए, रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, 1/2 √x होता है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्या नज़र आ रहा है, कॉस रूट एक्स और 1/√x dx, और इसका डेरिवेटिव 1/2 √x है, तो ये हो गया 1/2, लेकिन ये 2 आया कहाँ से, तो हमने कहा ठीक है मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो ये एक्चुअली अगर जी एक्स है तो ये आपका क्या है, जी डैश एक्स है। और ये कौन सा फॉर्म है, इस फॉर्म के लिए आप क्या जानते हो कि सिर्फ आउटर फंक्शन का हमें इंटीग्रल करना पड़ता है, कॉस एक्स का इंटीग्रल करना पड़ता है, ठीक है। वो कितना आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन होता है, सॉरी प्लस साइन होता है, तो ये हो जाएगा 2 sin of √x + c, ये आपका आंसर।